मेरी मम्मी को नहीं पता उनका बर्थडे कब है। 1 जनवरी को है आंटी का बर्थडे। बर्थडे ये वाला चाहिए मुझे। कब है आपकी शादी? बुला लेना मुझे। Look at that, it's so pretty. Just 68 lakh rupees, not much. So hi guys, welcome back to a brand new vlog that's coming after a long time. Quick story is ki meri mummy ko nahi pata unka birthday kab hai. Aaj tak nahi pata tha because their parents don't know. So we have literally never celebrated her birthday, which is quite sad. So then randomly we decided ki theek hai chalo har saal ke first ko we'll consider it as mamma's birthday, but we never really celebrated it. So we have thought this time we are going to make it big for her because she deserves it. There has to be one day where we celebrate her birthday. So aaj hai 26 December and 8 January ko hai aunty ka birthday. Yes. birthday 28 ko I'm going to go to Delhi. And abhi ja rahe hain hum gift lene. 1 hour later. So we are here. What are we buying? We are getting a. We are getting this. This for $30. A diamond Mangalsutra. She's been wanting it for some time. Not that she said it to me, but I know it. And we've seen a few options. And we've liked one. We've liked two, actually. Let me show you. This is so pretty. Your Mangalsutra is very nice. Written here, sorry. ये वाला चाहिए मुझे. ये? Crown star? Yes. कब है आपकी शादी? बुला लेना मुझे. अपना Christmas gift तो दिखाओ. कौन सा Christmas gift? दिखाओ ना. Christmas gift. Look at this. It's curly. Very pretty. Nice very watch. Nice. Thank you. I loved it. This was my favorite. ये दिखाओ लोगों को. ये किसने किया? ये मैंने. अच्छा which one is 64 lakhs? ये कौन सा? 64 lakh वाला कौन सा? That is 30 lakhs. This one? Yes. 80. 18. But looks good. मस्त लग रहा है. Yeah. What about men's jewelry? यार हमारी ज्वेलरी इतनी महंगी रहती है? That's 28 lakhs. Only the necklace. Oh, this is so pretty. What is this crystal? That's emerald. Ah, look at that! It's so pretty. No? Yes, just 68 lakh rupees. Not much. ठीक है, take notes. Understood. 1 hour later. So. मम्मी का गिफ्ट आ चुका है एंड अब इसमें क्या है ये तो आपको तभी पता चलेगा जब वो इसे खोलेंगी. सो आई एम एक्साइटेड. 2 दिन बाद में जा रही हूँ दिल्ली. सो सी यू देयर. इट्स 28 December एंड आई एम ऑल रेडी टू गो टू दिल्ली एंड दिस इज टबू. ही डजंट हैव क्लोथ्स. So he's always like this because he's sexy. ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहनता हूँ टी शर्ट.
एंड कोई भी अच्छा काम करने से पहले जो पिंपल आते हैं वो भी आ गए हैं, सो इट्स हियर। देखो देखो ये। तो अभी हम क्विकली खाएंगे ब्रेकफास्ट एंड देन आई विल लीव। कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कितना खुश हूँ कि आप आपकी मम्मी का बर्थडे मनाने वाले हो। मस्त हो ना? मेरे को तो अच्छा लग रहा है। मिस भी करूंगा ना, बट अच्छी भी तो बात है। बर्थडे मना रहे मम्मी का, फिर मम्मी को आप घुमाओगे, मम्मी को गिफ्ट दोगे, फैमिली के साथ रहोगे, मजा नहीं आएगा? फिर 8 दिन बाद तो आ ही जाओगे। 8 दिन बाद तो आपको मेरे साथ ही रहना है। तो कुछ और ही बोल रहे थे। रो पाया था? मैं रो रहा था, मैंने पूरा दिन रोया है भाई। मैं तो बहुत रोता हूँ। अभी जस्ट रोके मेरा खत्म हुआ है। मेरा अभी जस्ट रुक गया। ओके लेट्स ईट ब्रेकफास्ट एंड देन गो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। अब करो मेरे को। पकड़े गए। आप बोले थे अब नहीं करोगे। यस बाय बाय। जाने का टाइम आ चुका है। फुल लेदर जैकेट्स एंड ऑल। आई लाइक इट, आई लाइक द आउटफिट। ठंडी में जान दो, ज्यादा ठंडी मत हो जाओ। एंड यस पार्टी। बाय गैंग, यू गाइस वोंट सी मी आगे के व्लॉग में। टिल द नेक्स्ट व्लॉग। रीच्ड टू दिल्ली एंड उतरते ही साथ जो ठंडी का झरोखा लगा है मेरे मुंह पे। आई हेट एक्सट्रीम वेदर। सो आई एम गोना टेक अ कैब राइट नाउ एंड गो होम। हाय बीच मम्मी, व्हाट आर यू डूइंग? दिस इज माय व्लॉग। दिस इज माय व्लॉग। यू विल सी गाइस मेरा व्लॉग देखना। चलो क्यूटीज। आ जाओ आ जाओ। नाउ आई फील लाइक अ बड़ी बहन। What's up, bitch? मुझे गंदा क्यों लेती हो हमेशा? गंदी हो क्योंकि। कुत्ते के लिए मैं। वाह 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 वाह। कवर लिया तुमने? चल हट, हट। मोटी रहेगी। देखो मेरा बैग भी आ गया। अरे हटो, चिपक ही गई हो। द प्यार आई कैन नेवर गेट। प्यार यू डोंट डिजर्व। देखो इसे क्या है, वो कैसे हो किया वहां पे साशा का। अरे मैं बहुत सारे चिप्स लेके आई हूँ। बहुत सारे चिप्स, देखो ये रहा बेड के नीचे। अरे मनाली मनाली मेरे व्लॉग में देखने को मिलेगा ये सब। मुझे पता था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं डालोगी तो मैं अभी जिम जाऊंगी। तो मैं तो डालोगी और आज के दिन
और आशीर्वाद नहीं मिली, पहले ताल कर दिया था और खुद ताल हुई नहीं है। जिम में आप क्या करोगे एक्सरसाइज? मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करती, मैं तो बस ड्राइंग करती हूँ जिम में, पर वो अंकल मुझे एक्सरसाइज करने को मना करते हैं। हेलो गाइस, तो मैं पुष्की हूँ जिम में। अब जिम खत्म हो गया, हम जा रहे हैं अब घर। अच्छा, मेरी बॉडी कैसी लग रही है? तो ये है मेरी बॉडी। मेरी बॉडी कैसी लग रही है? कैसी लग रही है आपको मेरी बॉडी? आपको कैसी लग रही है की बॉडी? अच्छी लग रही। तो लाइक एंड सब्सक्राइब। और ये हो गया। Hi guys, so it's finally 31st December and हम लोग जा रहे हैं मम्मी के लिए शॉपिंग करने। So the idea was कि हम लोग मम्मी को लेके जाएंगे शॉपिंग करने, but हुआ ये कि वो लोग सुबह 12-1 बजे आने वाले थे, but due to fog उनकी ट्रेन डिले हो गई, तो वो 7-8 बजे पहुँचेंगे। एंड काव्या की फ्लाइट भी थोड़ी डिले हो गई, तो वो भी थोड़ा लेट पहुँचेगी। तो हम लोग अब खुद जा रहे हैं मम्मी के लिए एक ड्रेस और सैंडल्स या हील्स लेने, वरना वो लेट हो जाएंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। सो लेट्स सी व्हाट वी गेट। न्यू ईयर। तो सारे लोग अपने अपने टास्क पे जा चुके हैं सिवाय मेरे, मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मनाली इज ऑल्सो फाइंडिंग अ गुड ड्रेस। पता नहीं नितिका कहाँ गई। ड्रेस नितिका, तो हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है। अरे तू जा रही ज़ारा H&M Forever New ट्राई करने के बाद अब हम आ गए हैं मैंगो में। लेट्स सी। गाइस, आई हैव नॉट फेल्ट दिस फ्रस्ट्रेटेड इन अ लॉन्ग टाइम। इट वाज सो डिफिकल्ट टू फाइंड अ ड्रेस, बट वी फाइनली गॉटन वन। वी फाउंड इट। A few moments later. देखो गाइस कैसे ढूंढ रहे हैं ये लोग काव्या को। पहले मैं उनको ड्रेस दूंगी तो उन्हें लगेगा कि नहीं नहीं पहले तुम मेकअप करना। नहीं, पहले मैं उन्हें ड्रेस दूंगी तो उसके अकॉर्डिंगली मैं उनका मेकअप कर दूंगी। उसके बाद जब निकलने वाले हो, थोड़ा सा रेडी वेडी हो गए, चप्पल वो जब पहन लेना अपनी हील्स, कहेंगी इसके नीचे क्या पहनूं मैं, ये वो, तो तुम उनको लाके हील्स देना, ठीक है? अब जब वो हील्स दे दे तो जैकेट वैकेट पहन के जब तैयार हो जाए तो तुम साक्षी तुम आना और कहना मम्मी इतना टाइम ये तुम्हारा ये अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तुम्हारे पास मेरे लिए एक पेंडेंट है तुम्हारे पास, ऐसे कुछ बोलना कहना, मेरे पास ज्वेलरी रखी है। हाँ, और फिर उन्हें तुम वो दे देना। ओके, आई लाइक दिस प्लान गाइस, व्हाट डू यू से? ये मेरा प्लान है, मेरे व्लॉग में जाके भी देखना। और तुम्हारे बगल में दो जादू क्यों बैठे हैं? क्या खाना तुम्हें? गाइस, आई कांट बिलीव हमारा 9 बजे का रिजर्वेशन था जो मैंने 10 बजे पुश किया, एंड अभी 9:24 पैसे तो पैसे, एंड वी स्टिल नॉट गॉटन एवरीथिंग। आई डोंट नो कब हम रेडी होंगे। आई डोंट नो व्हाई दिस फैमिली इज ऑलवेज लेट। वी आर सो डेस्परेट टू टेल आवर पेरेंट्स हाउ मच वी लव देम। हमें तो थक गए ना सारा प्लान, पता नहीं बस कब कब ये प्लान ऐसे हो जाएगा फिनिश फाइन। Guys, they are here. Hello. Hello. कैसी रही आपकी यात्रा? बहुत शानदार। लव नाउ। मैं भी तो रुकूंगी इसमें। हेलो। हेलो। कैसे हैं? आई नहीं आ रहा है क्या सुबह से? तो आई नहीं को भेजा ना। उसको उसका हाथ बैठ गया। अरे भाई। उसको भी भेजा। चलो टाइम वेस्ट मत करो। हाय राजू, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मुझे भी तो मिलने दो। हट, मेरी बना पहले। मेरी मेरा मेकअप कैसा हुआ बाबा? मेरा मेकअप बहुत सुंदर। मेरे को बना पहले, मेरे को भी बना। इधर
अरे अभी जिनको इनका इंतजार है उनसे तो मिलने दो, सबसे ज्यादा इनको काव्या से ही मिलना है। जाओ बाल। A few moments later. खुश रहो मम्मी, तुम मेरी तरह से ये पहन लो यार। तुम मेरी तरह से ये पहन लो। फटाफट से पहन लो। पापा, पापा, मम्मी दिख रही हूँ पापा। इस पापा के पीछे जो हम मॉल में घूमे हैं ना, भर रहे हुए हैं ना। चलो। पहन ना। जल्दी फास्ट वियर। इसका टैग हटा दो। पहले पहन के तो अच्छी लग रही है ना। Nice. पापा लॉन्ग और काली इलायची ढूंढ रहे हैं। पापा तो बड़े हैंडसम लग रहे हो। नाइस इलायची है ना। एंड यहाँ पे सारे लोग मम्मी को तैयार करते हुए, एक हमारी हेयर ड्रेसर, एक हमारी मेकअप आर्टिस्ट। श्रीवास इज क्रिएटिंग अ गुड हेयर स्टाइल। बहुत ही गंदा बोला, कोई बात नहीं। कैसा लग रहा? मनाली बन गई है पिंकी पिंकी पॉम पॉम और मम्मी लोग रही है बहुत ही सुंदर खूबसूरत। हट तो जा सामने से। मैं खूबसूरत लगाया इसके बिना ये अच्छा लग रहा है। हैप्पी न्यू ईयर। खोलो खोलो खोलो। ओ माय गॉड, सुपर से भी ऊपर। पीछे हट। पिनाओ पापा पिनाओ। ओह माय गॉड तुरुला। पापा पहली बार बना रही इसमें। पहले नहीं पहले बनाएगा। पहली बार बनाए थे ने जो था कोई और आया था बनाने। वाओ कितना सुंदर लग रहा है। कभी तो बहुत सुंदर है सब कुछ। हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये पकड़ो। नहीं सबसे कैसा लगा आपको? मम्मी चप्पल पहन लो जल्दी। मम्मी चप्पल पहन लो जल्दी। अब चलो रेडी हो जाओ गाइस। मम्मी चप्पल पहन लो। मम्मी चप्पल भाई इतनी हील्स वाली नहीं पहन पाऊंगी मैं। पहन लोगी छोटी सी है। चलो फटाफट से मेरे पैर में आएगी ना गिर जाऊंगी मैं। नहीं तो फिक्स करके लेके आए। आ एकदम क्या कर रहे तुम लोग? हैं नाइस। हम लोग बर्थडे गर्ल रेडी। थैंक यू। Thank you.
कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। सोचो किसी का फर्स्ट बर्थडे ऐसा होता है, बताओ कि 45 साल में आके मनाया फर्स्ट बर्थडे, असर पूरी होगी कि नहीं। कुछ पापा क्या मजे से कुछ खाना खा रहे। पापा ने नरम पापा ने कोई गिफ्ट नहीं दिया। पापा ने गिफ्ट नहीं दिया? नहीं, पापा सबको गिफ्ट लाना था। साशा भी गिफ्ट लाई है। पापा आप गिफ्ट नहीं लाए। गिफ्ट दिया था हमने कल। नहीं दिया। क्या दिया था? क्या गिफ्ट दिया था? ये भी पहने तो मैंने दिखाया था। ये कपड़े थोड़े ना होते गिफ्ट। क्या गिफ्ट चाहिए आपको पापा से? पापा बस थोड़ा सा टाइम जो नहीं है, बच्चे भी नहीं है फिर भी भाई अपने मैं अपने में फैले पड़े सीट पे और फोन चलाया जा रहा बस। मैं उठ के गई दूसरी ऊपर वाली सीट पे। मान को क्या करते हैं छुट्टी में? दो दिन टीवी देखते हैं बस। और फिर भी कहते हैं मेरी बीवी को क्यों लेके जा रही हो, करना कुछ नहीं होता है, टीवी देखना होता है बस। कहाँ जा रही तुम? थाईलैंड। पार्टी से हम आ चुके हैं घर वापस। एंड इतने दिनों से जो प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही थी मम्मी के बर्थडे की, कि किसको क्या लेना है, कैसे क्या लेना है, वो अब फाइनली सब इस प्लानिंग को अंजाम दे दिया गया है। तो बर्थडे गर्ल शक्ल दिखा दो, शक्ल दिखा दो, दिखा दिखा दिखा। कैसा लगा आपको आज का दिन? आपका अभी तो शुरू हुआ है। अभी शुरू हुआ है लेकिन थक गया बहुत। थक गया आपकी ट्रेन लेट हो गई। आपको मेरा गिफ्ट कैसा लगा? अच्छा, सबका गिफ्ट अच्छा। ठीक है चलो अभी बाय बाय बोल दे। बाय। सो अगर तुम लोग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।